हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा सिंह एंड आई सिक्योर्ड AIR 2 इन नीट UG 2020. आई हैव गॉट 720 आउट ऑफ 720. सो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द पेपर एग्जामिनेशन फर्स्ट. सो नीट UG 2020 का जो पेपर था, इट वॉज क्वाइट ऑन द ईजियर साइड. ओनली फ्यू क्वेश्चन वर मॉडरेट, अदरवाइज जो पूरा पेपर था वो काफ़ी ईजियर साइड पे था. मैंने उन पूरा पेपर 1 hour 45 minutes में कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद मैंने OMR बबल किया. मैं अगर स्ट्रैटेजी वाइज बात करूँ, इंडिविजुअल आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक और हर टॉपिक में मैंने कैसे कवर किया था, दैट इज़ वॉट वी विल डिस्कस टुडे. तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट फिजिक्स. तो फिजिक्स में बेसिकली मेरे टाइम पे, जैसे अभी एम्स को जो है, एम्स दिसंबर 2019 में ही हटा है, उसके पहले एम्स का एग्ज़ाम भी होने वाला था और जिपमर भी होने वाला था. तो उसमें फिजिक्स जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे पूछी जाती है. इसलिए मैं कभी भी फिजिक्स मतलब स्टार्ट करती थी तो आई स्टार्टेड इट विथ रीडिंग विथ माई मॉड्यूल. सबसे पहले मैं मॉड्यूल पूरा कवर करती थी, उसके सारे क्वेश्चंस करती थी. और हमारी कोचिंग में मतलब हमें गेटवे टू एम्स, एम्स एक्सप्लोरर और लास्ट लीप ऐसे करके पैकेजेस दिए थे, जिसमें कई सारे मतलब क्वेश्चंस होते थे. तो अराउंड एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं उसके 300-400 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी. और इस तरह से मैं पहले मतलब अपने मॉड्यूल कंप्लीट करती थी. उसके बाद से मैं NCERT पे जाती थी. NCERT को पूरा थॉरोली मैं रीड करती थी, उसके इंटरनल जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करती थी और फिर जितने एडिशनल एक्सरसाइज है पीछे वो करती थी. उसके बाद से मोस्टली मैं HCV रीड करती थी एक टॉपिक के लिए. जितने भी मतलब मैकेनिक्स में अगर बात करें तो मैकेनिक्स में मैंने HCV की पूरी थ्योरी करी है और जितने एक्सरसाइज होते हैं वो किया है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट आता है 12th में, उसमें भी मैंने HCV पूरी कवर करी है. और थर्मोडायनामिक्स का मैंने HCV से थ्योरी पार्ट पढ़ा है, बट उसका जो एक्सरसाइज है वो मैंने नहीं किया उसे. उसके बाद से HCV के बाद मतलब मैंने इरोडोव भी सॉल्व करी है. इरोडोव से मैंने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट किया है. और फिर मैंने अनुराग मिश्रा की Volume 1 और Volume 2 करी है. ये मैं पूरा फिजिक्स में ओवरऑल मैं चीज़ें करती थी. अभी अगर मैं सिर्फ नीट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इरोडोव और अनुराग मिश्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एम्स के लिए मैंने किया था. बट अभी आपको नीट पे फोकस करना है और नीट पे फोकस करने के लिए आपको NCERT पे एकदम फोकस्ड रहना है, उसी को करना है. और NCERT के अलावा आप मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स अटेम्प्ट करो. नीट के जितने प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के पेपर हैं वो आप सारे अटेम्प्ट करो और उससे रिलेटेड जितने भी बाहर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप फिजिक्स में करो. आई थिंक दैट विल बी एनफ. मैंने अपने टाइम पे JEE मेंस के भी प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स अटेम्प्ट किए थे और JEE एडवांस के भी मैं मॉक पेपर्स जो हमारे कोचिंग में होती थी वो करते थी नीट के अलावा. नाउ विल कम टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक में इट्स ऑलमोस्ट लाइक बायोलॉजी. तो इनऑर्गेनिक में आप NCERT पे स्टक कर सकते हो, क्योंकि नीट में NCERT से बाहर इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है. तो आप NCERT पे फोकस्ड रहो इनऑर्गेनिक में. NCERT में ही मतलब मैं क्या करती थी कि जैसे पी ब्लॉक था 12th में, वो NCERT में अप्रॉक्सीमेटली 40 पेजेस में है, तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स में बना लेती थी जैसे 3-4 पेजेस में, और उसके बाद तो अपने रूम के वॉल पे चिपका लेती थी या फिर मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी. तो उससे रिविजन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी. तो उसके लिए आप इनऑर्गेनिक के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. दूसरा, आप माइंड मैप्स बना सकते हो और अपने रूम में अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो कहीं पे, ताकि आप डेली उसको देखो. तो इनऑर्गेनिक में मेरा यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप मतलब बार बार रिविजन करो. फ्रीक्वेंट रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी. और बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स में बात करूँ, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसको आप जितना ज़्यादा मतलब एक ब्लॉक, जैसे हमारे टीचर से पढ़ाते थे तो एक ब्लॉक में पहले उसकी जनरल प्रॉपर्टीज बता देते थे, उसके बाद इंडिविजुअल हम पीरियड्स पे जाते थे और इंडिविजुअल ग्रुप्स पे पढ़ते थे. तो उस तरह से भी आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए. उसके बाद से अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिकल इज ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स. तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो उसमें सबसे पहले तो आप क्या करो कि पूरा मतलब जो भी NCERT में थ्योरी दिया हुआ है वो कवर कर लो. उसके बाद से जो भी आपके मॉड्यूल हैं, जो भी आप रेफर करते हो, वो पूरा कंप्लीट करो. फिर उसमें खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. और मैं नोट्स भी अपने पढ़ती थी, ऐसे कोई मैंने अदर बुक सॉल्व नहीं की है. उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल पार्ट होता है. उसमें कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म. तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करने के लिए मैं अपने नोट्स रेफर करती थी. बाकी अदरवाइज अगर वो नहीं हो पाता था तो मैं कुछ पीटर साइक्स से भी पढ़ती थी. पीटर साइक्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है. और पीटर साइक्स के अलावा मैंने ज़्यादा बुक्स, मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स की हैं. और अदरवाइज़ मैं JEE एडवांस के इसमें भी मॉक पेपर्स करती थी, उससे मतलब रिएक्शन के मतलब मैकेनिज्म का काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है. तो वो भी आप कर सकते हो. बट नीट के लिए आई वोंट सजेस्ट दैट. नीट के लिए तो स्पेसिफिकली NCERT के जितने नेम्ड रिएक्शंस हैं, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें रिएक्शन का नाम और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप पूरा नोट डाउन कर लो और एक वो नोट रखो अपने पास और उसको रिवाइज करो. तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आपके वो मैकेनिज्म होना चाहिए, बट फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो तुरंत रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट है. तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना के ऑर्गेनिक को ईजिली रिवाइज कर सकते हो. बट समझने के लिए मैकेनिज्म आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. उसके बाद से नाउ विल कम टू बायोलॉजी.
तो बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट 90 में से 85 टू 86 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नीट के लिए फोकस्ड हो तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दो तीन क्वेश्चन का आपको एच चाहिए और आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए आप कोचिंग के मॉड्यूल, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है आपने, उसके मॉड्यूल पढ़ सकते हो। वो आपको डेफिनेटली वो दो तीन क्वेश्चन में एच देगा। दूसरा, एनसीईआरटी में मैंने अपनी फ्रेंड से ये चीज़ सीखी थी, वो क्या करती थी, जो एनसीईआरटी में साइड में काफ़ी स्पेस होता है बायोलॉजी के एनसीईआरटी में, तो आपने कहीं से एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पढ़ा या फिर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लगता है कि आपको नहीं आता था, तो वो उस स्पेस में लिख देते थे और उससे रिलेटेड कोई और कंटेंट, एक्स्ट्रा कोई कंटेंट है आपने किसी बुक से पढ़ा तो वो भी वहाँ पे लिख देते थे। तो लास्ट में, मतलब लास्ट तक आते आते एनसीईआरटी ऑलमोस्ट जो जितने किनारे के स्पेस हुआ करते थे मेरे पूरे भर जाते थे, तो लास्ट में वो मेरे को रिवाइज करने में बहुत हेल्प होती थी। अगर मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट वो चैप्टर हो जाता था, तो बार बार मुझे मॉड्यूल नहीं खोलना पड़ता था। तो ये स्ट्रैटेजी आप भी अपना सकते हो। दूसरा, बायोलॉजी में मैंने कैम्पबेल पढ़ी है क्योंकि मैंने ओलंपियाड्स भी दिए थे, तो अगर आप ओलंपियाड्स के लिए और केपीआई के लिए फोकस कर रहे हो तो कैम्पबेल इज़ अ गुड बुक, बट इफ़ यू आर फोकसिंग ओनली नीट देन आई डोंट सजेस्ट इट बिकॉज इट्स क्वाइट लेंदी बुक एंड इट्स रिटन फॉर मेनली फॉर ओलंपियाड्स। तो उस पर्पज से अगर आप पढ़ रहे हो तो कैम्पबेल पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप एनसीईआरटी पे स्टक करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आप, मतलब मॉड्यूल भी अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो। बट बायोलॉजी में मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि एनसीईआरटी का रिवीजन इज़ अ मस्ट। मतलब लास्ट तक आते आते बायोलॉजी के एक एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 बार रिवाइज तो कर लिया था, 20 बार तो मैंने किया था हर चैप्टर रिवाइज। नाउ एट, मतलब ये तो मतलब था कि पूरा स्ट्रैटेजी की किस तरीके से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो क्लास 10th तक मैंने कसियां कुशीनगर से पढ़ाई करी है, नवजीवन मिशन स्कूल से, और कोचिंग मैं आकाश गोरखपुर में करती थी जो कि अराउंड 70 किलोमीटर्स था मेरे घर से, तो मैं बाई बस ही ट्रैवल करती थी, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और एजुकेशन का भी यहाँ पे स्कोप उतना ज़्यादा नहीं था। तो 11th 12th में मी एंड माय फादर वी मूव टू दिल्ली, तो पापा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी एयरफोर्स से और हम दोनों मतलब दिल्ली में ही रहे थे। और मैंने स्मार्टफोन भी अवॉइड किया था, मैं नहीं रखती थी, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है FB, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, तो आप भी जितना अवॉइड कर सकते हो उसको करो। बाकी हमारे हॉस्टल में एक कॉमन कंप्यूटर था तो जिससे मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो मुझे देखनी है स्टडी से रिलेटेड कंटेंट तो वो मैं देखती थी। और उसके अलावा मतलब मैं नरेंद्र मोदी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ तो मैं उनको सुनती थी, और संदीप महेश्वरी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो मैं उनको भी सुनती थी। और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है तो मैं गाने सुनती रहती थी अरिजीत सिंह के, अपने माइंड को मतलब बूस्ट रखने के लिए। दिस वॉज़ वॉट आई हैड टू से। मैं आगे जाके मतलब एम्स से MBBS करना चाहती हूँ, होपफुली वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद से मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ और न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ। और जो लोग मतलब अभी इसको देख रहे हैं उनको मेरा तरफ से ये सजेशन है और मैं ये एडवाइस उनको करूँगी कि ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स योर एस्पिरेशंस वेरी हाई, और उसको अचीव करने के लिए वॉट एवर इट टेक्स गिव इट। मतलब जितना आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है आप करो, कभी पीछे मत हटो। और ये चीज़ मत देखो कि एक घंटा पढ़ लिया चलो रहने देते हैं, जब तक एक टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता, मीन्स यू स्टार्ट इट तो हैव टू एंड इट, तो उसको टाइम लिमिट में मत बाउंड करो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, पूरा कंप्लीट करो उसको। जितना डीप अंडरस्टैंडिंग आप रखोगे चैप्टर की बाद में आपको उतना ईजी होगा। तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से कि डू स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क एंड दैट विल डेफिनेटली पे यू सक्सेस। And at the end, thank you for watching and I hope it was useful. And if you have any doubt, then please ask it in the comment box. I'll try to reply it when I get the time. So thank you. Please, if you liked it, so hit the like button, share and subscribe. Thank you.